लेकर के आइए अगली अगला शेयर जो है वो वोडाफोन आइडिया का, जरा बातचीत कर लेते हैं। और आपको बता दें कि 6 सितंबर को कंपनी के प्रमोटर्स ने कंपनी के अंदर हिस्सेदारी बढ़ाई है। और उस दिन जब आप ये से खबर आई थी तो हमारे साथ मौजूद थे अरुण केजरीवाल जी, और अरुण केजरीवाल जी से हमने बातचीत की थी किस तरीके से जो है एक रिपोर्ट आई थी, और उस रिपोर्ट के बाद जो है हमने देखा कि शेयर के अंदर अच्छा खासा दबाव देखने को मिला था, और अब प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, और हो सके अगर अरुण केजरीवाल जी आज हमारे साथ मौजूद हैं उनको अगर स्क्रीन पर आप दिखा दें ताकि इसको जो है डिटेल में जो है जरा बातचीत कर लेते हैं। तो आपको बता दें कि प्रमोटर्स की तरफ से कंपनी के अंदर हिस्सेदारी बढ़ाई गई है। कुमार मंगलम बिरला ने जो है वो कंपनी के करीब 1.86 करोड़ शेयर खरीदे हैं। तो जिस दिन रिपोर्ट आई थी मॉर्गन स्टैनले की, उस दिन जो है गोल्डमैन सैक्स की, माफ कीजिएगा, पिलानी इन्वेस्टमेंट ने भी कंपनी के करीब 30 लाख शेयर खरीदे हैं, और उसके उस दिन काफी दबाव भी देखने को मिला था। लेकिन ये अच्छी बात है कि प्रमोटर्स का अभी भी कंपनी में भरोसा बरकरार है और वो लगातार हिस्सेदारी खरीद रहे हैं। आज एक दायरे में आपको बता दें कि कामकाज कर रहा है सुबह से ही थोड़ी सी गिरावट के साथ, क्या कुछ सलाह रहेगी यहाँ पर ये पूछ लेते हैं। अब थोड़ा सा दबाव बढ़ता हुआ, इनफैक्ट अब 2% के आसपास की गिरावट है। सर 13 रुपए 27 पैसे का स्तर देखने को मिल रहा है वोडाफोन आइडिया पे, क्या कुछ भविष्य दिखाई दे रहा है? यहाँ तो 2.5 रुपए तक के लक्ष्य जो है वो दिखाए गए थे। देखिए, वोडाफोन आइडिया में मंथली चार्ट पे एक ब्रेकआउट आया था और उसी समय स्टॉक का फ्री फ्लोट बढ़ा था, तो ब्रेकआउट फेल हो गया था। जून में ब्रेकआउट आया था, जुलाई में फेल हो गया था 16 रुपए 75 पैसे पे। तो स्टॉक में पहली जो डाउन मूव है 11.85 तक दिख रही है। अगर नहीं होल्ड होता है तो फिर 10 रुपए तक ये डाउन साइड आ सकता है, यानी यहाँ से भी अभी 30% की डाउन साइड दिख रही है। जी तो चलिए।